प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, का हाल चाल? बढ़िया सर, रउआ हेडमास्टर है कि चपरासी? का भइल? झाड़ू लगावतानी, घंटी बजावतानी, क्लास में जाके पढ़ावतानी, और मास्टर लोग कहाँ गई? एगो बाजा बजावत होई, एगो ताश खेलत होई, कोनो होटल में नौकरी करत होई, और कहाँ जाइए? गीता। हाँ बाबूजी। हमार संखवा कहाँ बा? लेके आवो। ये ले बाबूजी। हाँ ले आओ। इस झोरे में छुटल रहे। अच्छा ठीक। खुशी के माहौल में और ते गम के सहनाई बजाओ ताड़े। का बताई पंडित जी, जब जब राउर बेटी के हम देखे नीनू तो हमारी सहनाई से अपने आप गम वाला धुन निकले लागे। अच्छा, एक काम करी ना पंडित जी, अपन बेटी के ब्याह हमरा से कर दी ना, फिर देखी कैसे हमारे सहनाई से खुशी वाले धुन निकले लागी। का सोचता नहीं, कर दी ना। ये तो सपना कहियो ना पूरा हुई। हम है पंडित और तू हवे एगो चपरासी है। अरे का जात पात के बात करत रह पंडित तू? है जात पात के बात छोड़ा। अरे स्टैंडर देखा स्टैंडर? अरे तहारा हमार प्रोफेशन में कोनो फर्क ना है। अरे तू हु बजावेला, हमहू बजावे नहीं। तुम शंख बजाते हो, हम सहनाई बजाते हैं। अरे हमार सहनाई से 1500 के नोट बरसेला, तहार संघ से 4 आना 8 आना 1.25 रुपया। अरे हमार कमाई के स्रोत देखा, सरकारी स्कूल में चपरासी है, 15,000 रुपया तनख्वाह मिलेला, और कहीं एक बेर बाजा के साटा मिल गई नु बड़का तो 20-25 हजार रुपया चीत समझे, और बैंक बैलेंस बा से अलग। और तहार कमाई का बा? ब्याह करावे के 1100, श्राद्ध करावे के 251, और मरने धरने के 750 रुपया बस। अरे तोरा के हम बात बताओ तनी कि हमर कितना कमाई है। अरे भाग संतराम, तो ससुर से ना कहि जी। पंडित जी हमार भी आ जाई। अरे पंडित जी, पंडित जी, अरे महाराज जी कहां भागत तनी? तोहार 4 नंबर रूम हो जी, एने से चल जाइए सीढ़ी से, ठीक बा? जा। हेलो नक्षत्र सर। जी सर बोली। अरे रहुआ 8 दिन से स्कूल नहीं किया आवत, बच्चा सब के पढ़ाई कैसे होखी? का बात करता नहीं साहेब, अरे एक बार रजिस्टर निकाल के देखी, एको बेर का काजी हो तो 2 लप्पड़ मरिया। कुछ होके हम रजिस्टर अपडेट कराए ना भुलाईला। अपने के हाजिरी बनौला से बच्चा सब के पढ़ाई हो जाए का? ये देश में सरकारी स्कूल का मास्टर आ सरकारी अस्पताल का डॉक्टर का भलौकेला नानू? ता सुनी, स्कूल के स्टूडेंट लोगन के जाके बोल दी कि पढ़ा के होखे तो जाके कोनो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेस, और ना तो चुपचाप स्कूल में आयस और मिड डे मील के साथ अंडा खाएस। हमारा टाइम खराब मत करो, बड़ी मुश्किल से होटल में नौकरी लागल हो, तू का चाहता रहा, छूट जाओ। सुना मालिक आवत हो, नौकरी चल जाए तू बाद में फोन करा। अरे रखा महाराज तू। हेलो। हाँ सर बोली। अरे जनक सर कहाँ बानी? सही जगह पे बानी, काहे खातिर फोन कही नहीं है? जब भी रउआ फोन करे नहीं ना तो हमार कार्डे नहीं के फसल। हाँ का का कहतनी जनक सर कि सरकार अपने का महीना ताश खेले के देवेला? सर 15,000 में सरकार का हमरा के खरीद ले ले बा, 15,000 में का परिवार? अरे रुके ना यार। का सर 15,000 में कुछ ना होला, एजाम आधा घंटा बैठ गई नी नू 1 घंटा तो 15,000 के खेल हो जाला। ताश खेलत रहे क्लास में कि ना? सर हम ज्यादा किचकिच ना करी, हम भैया के भेजे तनी ना पढ़ाए खातिर। प्रणाम सर। प्रणाम। बोली कोना लइका के पढ़ा के बा? रउआ जनक जी के भाई बानी। हाँ भाई बानी, कहना सक बा। अंग्रेजी आवेला?
अरे जब अंग्रेजी के मास्टर के भाई बने तो अंग्रेजी काहे ना आई है? हमरा जैसन पूरे जब्बार में केकरो अंग्रेजी ना आवेला। ताली सुनी हमारा अंग्रेजी जाए पढ़ाई अपना क्लास में। अरे ना सुनने के बाद एक बार कौन बात नहीं के? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अरे सुनीता जी रहुआ 15 दिन से तो स्कूल में लौटते नहीं की। उ कहा ना सर, जांच करवाए गई रहनी। हमरा के ना आजे पता चलल है कि हमार पेट में ना 2 महीना के बच्चा बा। अरे साल 6 महीना पहले ही नो बच्चा भई रहे अपने के। ए में हमार का गलती बा सर? बोली ये कुल भगवान के हाथ में बा। और डॉक्टर हमरा से कहला सा कि रेस्ट करे के, यही से पढ़ावे ना आवत रहनी हा। जाई 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 रेस्ट करी क्लास में। ये लोग जैसन टीचर अगर रही तो सरकारी स्कूल के ये हालत होगी। दवा क्या कर रहा है तुम लोग? सर मालिश कर रहे हैं। जाओ पढ़ो तुम लोग पढ़ो। ओ इंग्लिश टीचर के भाई, ओ इंग्लिश टीचर के भाई। अरे हो गई पढ़ाई। देख लेनी रहुआ, एक दिन में हम पूरा 2 महीना के सब बच्चन के पढ़ाई पढ़ा देने। अब हम जात मानी जाएं। कल फिर आए। अब अइला के जरूरत नहीं है, हो गई पढ़ाई बच्चा सबन के। अच्छा ठीक बा, बात बात में हमारा भाई के फोन करके डिस्टर्ब मत करिया। सुनीता मैडम बच्चा सबन से पापड़ बिलवाता नहीं, अरुआ बैठ के स्वेटर बनाता नहीं। बबुआ होके वाला बनु सर, ऐसे स्वेटर बुनाता नहीं। अउ का है ना, हमार तबीयत ठीक ना रहेला, ऐसे बच्चा लोग से पापड़ बिलवावता नहीं। कहे कि हमार उनके बिना पापड़ के खाना ना घोटाला सर। शर्म आओगे चाहिए अपने के, एगो टीचर होके स्वेटर बिनाता नहीं, लड़का सबसे पापड़ बिलवाता नहीं। यही तरह भविष्य बने बच्चा सबन के? सरकार अपने के पढ़ावे के पैसा देवला नू कि पापड़ बिलवावे के? सुनो कल से कोई पापड़ पर नहीं मिलेगा, पढ़ाई पर ध्यान रखो ठीक है? पढ़ाई बच्चा सबन के। सर सर रुकी ना, कहाँ जाता नहीं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, का हाल बा? 2 महीना के बाद हमरे बेटवा के मैट्रिक के परीक्षा बा, कैसे पास हुई सर? अरे तू चिंता मत करो, तुहार लड़का बिना पढ़े लिखे पास हुई, ओके हम बढ़िया डिग्री दिला दे। कैसे सर? 50,000 रुपया लेके कल राजा बाबू के प्राइवेट स्कूल में आ जाइए। ओके ओके सर आ जाइए। अच्छा सर काल बस राजा बाबू, आप लोगों का आशीर्वाद पर सब चल रहा बंगाली ठीक ठाक से। अच्छा राजा बाबू, ये हमारे लक्ष्मण बाबू है। प्रणाम करो। प्रणाम सर। इनके लड़का के ब्याह नहीं किया होता राजा बाबू, पास ना भरन मैट्रिक तो इनके मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिला देता। अच्छा हाँ, कौन सा लेवल की चाहिए? लेवल मतलब ये हो कि 50,000 में सौदा तय भेल हो, अब 50,000 के हिसाब से जो सेट हो तो दे दा। अब डिग्री लेते बाड़ा
तो टॉपर की डिग्री ले ला। वह तो कहानी राजा बाबू इनसे कि 1.5-2 लाख रुपया खर्च करता तो टॉप क्लास का डिग्री मिल जाता, लेकिन सुनते नहीं। इतना पैसा नहीं है राजा बाबू। जवन लाल होकर निकला निकला हाँ। लवा 50,000 हो ना। हाँ तो रख दो। चलो कहाँ कहाँ रख ले हवा महाराज, एक जगह ना रख पावत हवा। बैठो काम हो जाए ना हमार। अरे महाराज मतलब बेदिने हवा का कर ले आल है दर्शन करावे खातिर। तो चिंता मत करो, बाहर कुल काम हो जाए, एक महीना बाद आइया और राजा बाबू से सर्टिफिकेट लेके जाइया। उनका लड़का के नाम और जन्म तिथि तो ले ला। लेके आएल बने देवा तोके का तुम साथ लेके जाइबा का भाई ली। सुना अब तो एक काम करा, प्रणाम करा और निकल जा। ठीक है ठीक है बा। हाँ छेद बाबू इला भाई इस खरीदे भाई से। और तोरे सरकारी स्कूल के का हाल बा? सरकारी स्कूल चला था एकदम। वहाँ से भी कुछ लड़कन के यहाँ लिया हुआ तब न कमाई हुई। मोटिवेट करते थे उन्हें के समझावत है उन्हें के। अरे अरे ये बकरी कहाँ लिया उधर? अरे अब बकरी के भी डिग्री चाहिए। अब हम का करी राजा बाबू, किताब के पैसा, एडमिशन के पैसा, ड्रेस के पैसा, भरत भरत हमार जमीन बिक गई। एगो बाहर में जमीन रहे वो बिक गई बा, भैंस बिक गई, गाय बिक गई, अल्ले दे के एगो लक्ष्मीनिया बकरी बचल बिया। राजा बाबू रारु स्कूल के 3,000 फीस बाकी बा, आई बकरिया 4,000 में बिकिए जाई। रउआ अपन 3,000 फीस काट ले, आई बकरी के रख ले, लेकिन हमारे पोता के स्कूल से मत निकाली राजा बाबू। कौन क्लास में पढ़े ले रे? LKG। काइन कर पैसा खराब करता रे, एक के बार आके डिग्री ले ली है 10वीं के। अच्छा नक्षत्र सर। हाँ। तू भाईस बाद में खरीदिया एक बार, तब ले इनकर बकरी से काम चलाओ, पैसे एडजस्ट कर लिया। अरे हो जाए हो जाए। चाचा पर बकरी हम लेता नहीं, बाकी पैसा वापस ना होई। काहे हो? अरे महाराज तेल मसाला जोन 1,000 रुपया लागी। 1,000 लाग की तेल मसाला के? अरे महंगाई हो, हम तो कहते 1,200 रुपये से कम ना लागे। ठीक बा? अच्छा ठीक बा। हाँ रहुआ लोगन के जे विचार हो। प्रणाम प्रणाम राजा बाबू। ये बोर्डिंग स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में अपने कोनो खास बात बा का सरकार? मुखिया जी हमें। मुखिया जी प्रणाम। इनका बेटी के बरियात आवत आ 10 तारीख के जी, और वो आपकी स्कूल में रुकी, देख लिया व्यवस्था में कोनो कमी ना होके। कौन दिन खातिर चाहता हो? 3 दिन खातिर चाहिए। 3 दिन खातिर बच्चा लोग की छुट्टी कर दो। सरकार ऐसन बा कि स्कूल के बच्चा सबके परीक्षा बटे, 3 दिन के बाद में ता। अरे हम पूछे नहीं कि आयल बतावे आयल बानी। जाना तानी ना केकर बेटा आई हम, सरकारी स्कूल के अध्यक्ष बिहारी बाबू के बेटा है। जी जी जी। और बाबूजी के टिकट भी मिले वाला बा जी। मुखिया जी की सपोर्ट चाहिए कि ना चाहिए? चाहिए चाहिए। तब आप कानून मत पढ़ाई हमरा के, और इनकरा बरियात के व्यवस्था करी। सरकार एगो छोट प्रार्थना बा कहीं का? बोला ना होके ता इनकर बेटी के जोन बरियात बा वो अपन स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में ठहरा दीना। महाराज सुन ले बड़ा आज ले कबो बोर्डिंग स्कूल में बरियात रुकेला? इस सरकारी स्कूल होला काहे खातिर हो? बरात रुके खातिर, गांव में कोनो कार्यक्रम होखे ओकरा खातिर, चुनाव में वोटिंग खातिर। सुना 10 तारीख के दिन में इनकरा बेटी के बरियात आई, और ओकर व्यवस्था तोहके देखे के बा। परीक्षा होई ना होई उसे फर्क नहीं पड़त। अच्छा एक बात बतावा, तारा स्कूल के लड़का लोग पढ़ के इंजीनियर बन जाए हैं? अरे पढ़ के बियाहे नु करिए लोग,
ब्याह के महत्व के समझी मार साहब। ब्याह नहीं के टल सकत, परीक्षा आगे पीछे हो सकता। ठीक बा जी। और एक बात ध्यान रखें कि रोमियो राजा के गांव के इज्जत के सवाल बा। केकरा गांव के? रोमियो राजा। रोमियो राजा के जी। प्रणाम। चलो प्रणाम मुखिया जी। पंडित जी, हमार बेटा 40 साल के होए वाला बा, अब बहू ओकर ब्याह के मुहूर्त निकली कि ना? राशि के हिसाब से राजा बाबू के लगन चरचराता मलकिनी, और यह महीना में भेंडो बाजा बज जाई। अच्छा का पंडित जी? अरे केकर बैंड बजावे की तैयारी कर दा, तहार ब्याह के मुहूर्त निकलत बा। अरे माई, हम कितना बार कहें कि हमके शादी भी आके झंझट में नहीं खेपड़े। तक्का जिंदगी भर घर में कमारे बैठे हो गए। रोज एक की कथा कहानी बोल दे लसने की बियाना करे के बा। अरे हमारे बेटा आई शादी ब्याह से बहुत बड़का आगे काम करे के बा। एकराम शादी ब्याह करिए। ए बेटा, वो शिक्षा मंत्री आवे वाला बाड़े, उनका स्वागत सत्कार में कोनो कमी ना होके के चाहिए। ऐसे की इस बार हमरो चुनाव के टिकट मिले वाला। बाबू जी हमरो के पता बा। बाबू जी चिंता मत करी, मंत्री जी के स्वागत के ऐसन तैयारी करब कि उनकरो मन गदगद आ जाई। चाहे जे कही मालिक, जब से जिला के शिक्षा विभाग के आप अध्यक्ष बननी हो, तब से ई जिला के सब सरकारी स्कूल दिन दुना और रात चौगुना तरक्की करता। ठीक ही कहा तनी पंडित जी, सरकारी स्कूल के जितना फंड आ रहल बा सब इनकर तिजोरी में धरा रहल बा, और जे सरकारी स्कूल के बच्चा के अनाज है वो कुल इनके गोदाम में धरा रहल बा। अजी तनी भगवान से डरी, शर्म करी, वो बच्चा सबके बदुआ से हमार बेटा के ब्याह नहीं हो। जानी ली पंडित जी, जी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी के संख्या रहे 500, अब रह गए बा 50। काहे कि हमार राजा बेटा बैठले बैठले लैकन के टॉपर बना देता। दोनों बाप बेटा मिलके सरकारी स्कूल के सत्यानाश कैले बा, कुल बच्चन के भविष्य के अंधकार में डाल देले बा। अरे यहाँ बैठ के एकर खाली बकर बकर सुनबे कि चलबे? मालिक अनाज आइल बा, कहाँ उतार दी? तो जाके रखवा देना पतरातु के गोदाम में। ट्रक आइल बा। ठीक बा। अरे अरे तोर सब के बांस वाली के काम खत्म हो गए यो रे, चल नहीं यहाँ से, जल्दी लगावा लो मर्दे। देख लेनी सर। राजा बाबू से कही ना दो चार गो लेबर भेज के स्कूल के सफाई करवा देस, देखी ना कितना गंदा हो गईल बा। ना ना बेटा, ये सब सफाई हमने करे गो पड़ी,
यही तरह सरकारी स्कूल में बरियार ठहरेला, गंदा करेला सन, सफाई हमनी करे के पड़ेला। लेकिन सर एक कैसन नियम कानून है कि विद्या के मंदिर में जहाँ से देश के भविष्य की उत्पत्ति होखेला वो मंदिर के लोग गंदा करेला। का करूँ बेटा, हमनी के देश के सरकारी स्कूल के ही हाल। May I come in? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Have a seat, please. तुम्हारी ना मुझे यही बात पसंद नहीं आती। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मुझे सिर्फ सुमित कहो। No, sir. Do you understand? Okay, सुमित। पता है आपको, आज मैं बहुत खुश हूँ। ओके। और यही खुशखबरी मैं आपसे बांटने भी आई हूँ। रियली? आज मैं हमारी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स देख रही थी और हमारी कंपनी ने पिछले साल के मुताबिक इस साल 28% प्रोग्रेस की है। वाओ। आई एम रियली वेरी हैप्पी। लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हमारी कंपनी की एक डायमंड हो। तुमने इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है। अपने परिवार से दूर रह के और दिन रात मेहनत करके आई एम श्योर कि जब तक तुम इस कंपनी में हो, एक दिन हमारी कंपनी इंडिया की नंबर वन कंपनी होगी। थैंक यू। ये आपका बड़प्पन है कि आप सारा क्रेडिट मुझे दे रहे हैं, लेकिन इट्स ऑल टीम वर्क। एक्चुअली सुमित, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। यस, कहो ना। मुझे ये जॉब रिजाइन करना पड़ेगा। मैंने बिजनेस के बारे में और पढ़ने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और वहाँ से मेरा एडमिशन लेटर आ गया है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ जाके बिजनेस बढ़ाने के बारे में और पढ़ूँ और उसके बाद इंडिया आके अपने गांव में ही एक फैक्ट्री लगाऊँ, ताकि मेरे गाँव के लोगों को मेरी तरह घर से इतना दूर निकल के काम करने की ज़रूरत ना पड़े। वो वहीं अपने घर वालों के साथ रहें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। और पापा की भी उम्र अब बहुत ज्यादा हो गई है। मैं चाहती हूँ कि अब वो जॉब ना करें, अपना बिजनेस खुद संभालें। सो आई एम सॉरी, आई हैव टू रिजाइन। तुम भी ना इतने छोटे से दिमाग में इतना बड़ा स्ट्रेस क्यों लेती हो? आई थिंक यू नीड अ ब्रेक। ऐसा करो, ये लंदन वर्न जाने का चक्कर छोड़ो, तुम सीधा अपने घर जाओ और अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताओ और कुछ दिन बाद अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये गांव वालों की चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। हमारी कंपनी तुम्हारे ही डिस्ट्रिक्ट में प्लांट सेटल कर रही है और उस प्लांट को तुम और तुम्हारे पापा देखभाल करेंगे। अंडरस्टैंड? Now you happy?
रहे हो यहाँ? कुछ नहीं सर। हेलो, आपके स्कूल के को विद्यार्थी को पकड़े हैं? ठीक बात, हम हेड सर के लेके आवत हई। हेड सर, समझ में नहीं खावत की हमनी के रहे बाबू का बोले नहीं अपने ये तो, तो हमु कहता नहीं पापा। गाड़ी रोक पापा, यहाँ प्राइवेट स्कूल में का करत रहे? राजा बाबू प्रणाम। आही आही माट साहब प्रणाम। और तनी ध्यान से देखी, आपके स्कूल के एगो चोर पकड़ाइल बा। चोर? ई तो हमरे स्कूल के बहुत होनहार विद्यार्थी है राजा बाबू। ई बेचारी कथी चोरी ले बिया? आपके होनहार विद्यार्थी हमरा स्कूल से विद्या चोरी ले बिया। विद्या? विद्या के कैसे चोरी होखेला राजा बाबू? कैसे चोरी होखेला बताइए। हम जब क्लास में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे तो ये लड़की खिड़की पे खड़ी होकर सारी विद्या चुरा लेती है और ले जा करके अपने स्कूल के बच्चों में बांट देती है। अब बताएं मार्ट साहब कि आपके विद्यालय के होनहार विद्यार्थी जोन हमारे विद्यालय से विद्या चोरैले बा, ओकर पैसा आप दी हैं कि एकर बाप दी हैं? प्रणाम। खुशरा एजा का करत अनि? तू यहाँ कहाँ आइलू? कुछ ना, तू जा घर जा। अरे जा घरे, ई लड़की के यहाँ के बनले बा? राजा बाबू बदले पड़े काहे? ई राजा बाबू के प्राइवेट स्कूल से विद्या चुरावे ली और हमनी के सरकारी स्कूल में ले जाके बांटे ली। ई का बकवास करत आ रहा? हाँ राजा बाबू कहे विद्या भी कोनो चोरी करे की चीज है? रुको बेटा, कैसन दरिंदा बाड़ो तू लोग? हाँ तोरा के शर्म नहीं खावत? एगो स्कूल में पढ़े वाला लड़की के ऊपर ऐसा अत्याचार करता रह, और बाकी सब लोग खड़ा होके तमाशा देखता रह। हाँ जस्ट लुक एट हर, शी सो इनोसेंट एंड सो यंग। ब्लडी मोरॉन्स, क्रूअल पीपल, यू हैव नो शेम एट ऑल, शेमलेस। अरे मैडम, भोजपुरी में बोली, अंग्रेजी में करीब पाई। शट अप, चलो सफा हिला के चल गए राजा बाबू। हाँ गर्दा गर्दा उड़ा दे हमनी के इज्जत के। अरे जनकवा। हाँ राजा बाबू। तू मार्ट साहब के स्कूल में अंग्रेजी पढ़ावे ले ना? हाँ का भाई? तो ये मार्ट साहब के बेटी अंग्रेजी में का बोल रहा सरे? ये नहीं बताइए राजा बाबू। राउरे कॉलेज से तो डिग्री लेके हम अंग्रेजी के टीचर बनल है, अब राउरे न समझ में आयल हो तो हमरा कहाँ समझ में आयल होई? हम बताते हैं राजा बाबू, ये आपको बोली है, आप गधा है, उल्लू के पट्टा है, बेशरम है। क्या बात कर रहे हो? सही कह रहे हैं। ऐसा बोली? हाँ। अबे तो पहले क्या नहीं बताया? डर गए सब आपको। मिल गईल माई के पतो। दिव्या एक बात बतावा, तू राजा बाबू के स्कूल में गईल काहे रहलू? का बताई दीदी, 2 महीना बाद हमनी के मैट्रिक के परीक्षा बा, हमनी के स्कूल में कोनो टीचर पढ़ावे खातिर ना आवेलन। ओही से राजा बाबू के प्राइवेट स्कूल के पढ़ाई सुन के हमू पढ़नी, अपना साथी सबके भी पढ़ावे नी।
तू चिंता मत करे बेटा, अभी घरे जा, सब ठीक हो जाएगा। बैठा गाड़ी में। हाँ। भैया दिव्या के घर छोड़ दिया। चला बेटा। ओ मेघा के माई, देखा तक आई बा। प्रणाम माई, खुश रह। हमारी बिटिया कैसन बड़ू बेटी? हम एकदम ठीक बानी माई, आपन बताई? हम ठीक बानी। अरे दोनों बेटी मैं तारी घर में चला, सब भेजा बती बुका। चली चलो बेटी आओ। चलो माई। थक गई हो बुना? दम थक गई हो बेटी हमारी? अरे ना। चला भीतर। पापा एक बात बताई, ये सब का होखा था हमने के स्कूल में? सरकारी स्कूल में का होखेला बेटी, सारा सिस्टम बिगड़ गई बा। ना कोनो टीचर क्लास में आवेला, ना क्लास में पढ़ाई होखेला। अब हम अकेले केकरा केकरा संभाले बेटा? तो आप इस सब के कंप्लेन शिक्षा विभाग में काहे नहीं की? अरे बेटा सब बेईमान बड़ा सन। ऐसन बात नहीं खे पापा, ये देश में हर केहू बेईमान नहीं खे। और आप अपना पावर के पहचानी पापा, आप उस स्कूल के हेडमास्टर ही हेडमास्टर, कोनो चपरासी ना जे टुच्चा लोग से डराता नहीं। अपना पावर के पहचानी, अपना पोस्ट के ताकत के पहचानी पापा, हम आपके साथ बनी। का बात बा बेटी, आज बड़ा जल्दी स्कूल से चली आईलू? का करी बाबूजी, हमने के स्कूल में कुछो पढ़ाई नहीं के होकत, समझ में नहीं खे आवत कि हमने के परीक्षा में कैसे लिखब, ना स्कूल में टीचर आवता ना पढ़ाई हो खता। ए बेटी हम कैसे ना भागा बाप बानी चेके तोहरा खातिर, हम इतनो ना कमा सकता नहीं कि तोहरा के कोनो बढ़िया प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाती बेटी। यही सरकारी स्कूल में पढ़ के बहुत लोग आईएएस आईपीएस बनल बा, तो हम कहे ना बनब। मत रोई बाबूजी, मत रोई। ठीक बा बेटी, खाना बना के घर पे रख देले बानी, समझ लू, जाके निकाल के खा लियो, आ बैठ के खूब मन लगा के पढ़ियो बेटी, खूब मन लगा के पढ़ियो। ठीक बाबा, ठीक बानो, हम जाते नहीं, रहुआ जल्दी आई, अब हसी ना बाबूजी। हाँ, जा बेटी जा। हाँ ठीक बा बाबूजी, जाते नहीं, जल्दी आई। ठीक। हाँ ठीक बा। यहाँ इतना टेंशन हो, ये जब देखा खुरपा लेके खेते में पड़ा रहा। ए रुक रुक, कहाँ जाता रे? कहाँ जाता रे? जाता नहीं स्कूल है, हाजिरी लगा के अब फिर चल जाए, नया नया नौकरी लागल है, वहाँ पहुँचल जरूरी बा। अरे मुखिया जी के यहाँ श्राद्ध बा। हाँ। तो सब काम निपटा के जल्दी चलिए। तो ठीक बा। अरे मोट दान दक्षिणा मिली हो जा। हाँ। ठीक बा, चलिए जाइए आप। हम चलो तनी मुखिया जी के यहाँ छोड़ दिए। ए गीता जी, अरे बेगवा दे भोरे भोरे करे, जल्दी आई बा। अरे चलो भाई, सुना गीता, खाना मत बनाइए, मुखिया जी के यहाँ से श्राद्ध के सामान ले ले आए। हो भाई, ठीक बाबा, चलिए आप। चलो गीता। ए गीता, अरे बहुत देर से हम इंतजार करत रहनी कि कब तहार भाई या तहार बाबूजी घर से निकले और कब हम तहरा से मिले आई और दोनों जन बैठ के मोहब्बत के सहनाई बजाई। है आवा, अब तो बाबूजी से हमार हाथ मांगला, तोहरा बिना हमार मन नहीं खे लागत। अगर तहरा बाबूजी से हम मांगब हाथ तो उ ससुरा दी हमरा के लात, अरे वो दोनों जने हमार बिया ना होके दिए। हाँ लागत कि तहरा के यहाँ से भगाइए के ले जाए के पड़ी। आवा बैठे हमार मोटरसाइकिल पर। तो ये है तोहर मोटरसाइकिल? हाँ, अरे इंटरनेशनल। हाँ देखा पीछे जाता सीधा चाइना से मंगाई नहीं। हाँ अरे बैठ के देखा, बहुत मजा आई। आवा बैठे, आवा आवा। ये देखा महाराज, यहाँ उल्टा लेटल हूँ। कहाँ कहाँ ना ढूंढनी हो, और ऐजा राजा बाबू मुँह उल्टा करके आराम। राजा बाबू यहाँ बुलेट खड़ी करके कहे सो गए हो? केहू के इंतजार करता ने करो। अरे वो हेडमास्टर के बेटी एकदम दिमाग पे चढ़ गई भाई। अरे महाराज दिमाग पे चढ़ गई बात, आदेश करा उठा के ले आई पुरनका फैक्ट्री में। हाँ एकदम बेदीन आदमी है। अरे उससे हमके सच्चा मोहब्बत हो गई बा। सच्चा मोहब्बत? अरे तई में छुपाए के कौन बात बा? है अरे तो जाके कह दे ओकरा से अपन दिल के बात।
हे राजा बाबू, माँ साहब के लड़किया तो ये सामने से आवत रही, हई देखा हई देखा हई देखा। राजा बाबू ये सही मौका बा। राजा बाबू एक काम करा, इल सही मौका है के पकड़ा, आज जैसे नजदीक आवे अपने दिल के बात कह दा। ठीक बा, जा लो। कहूं? अरे यार तोहनी के समानवा बोलेगा। थैंक यू अंकल। अरे अंकल ना, हमार नाम रोमियो राजा। तम के अब तो से कुछ कहे गिरे, हम सभी आ करबो। हाँ काहे ना, आप इतना पैसा वाला बानी, हम का कोई भी ब्याह करी खाती तैयार हो जाई। देखी एगो बात कही, वो का है ना, हम MBA कैले बानी, आ अपने लगे कौन से क्लास के डिग्री बा? डिग्री? अब डिग्री का? अरे अरे यहाँ के जीजी MP बनी। हाँ जीजी MP। जीजी MP? जीजी MP। ये कौन डिग्री होला? डिग्री होला जीजी MP माने घीच घाच के मैट्रिक पास। मेरा टेंशन के मारे आगे तो पढ़ाई ना पढ़ पाई। जीजी MP बनी। लेकिन हम एगो पढ़ल लिखल लेके बनी। आप ही सोच भी कैसे लेनी कि आपके जैसा अनपढ़ और गंवार लड़का से हम शादी करें? अरे अनपढ़ है, बताओ लोग कितना पढ़ल बने। अच्छा तो अब तू अपना आपके समझा करा जी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यू आर नथिंग मोर देन जस्ट अ रोड साइड रोमियो। आई मीन लुक एट यू, यू नो you look exactly like a dog and you even bark like a dog and yes you have no manners also ever how to behave and you guys do not say so good so please go then some manners and people like you you people are very down exactly idiot matlab ab alag alag board mein अलग अलग अंग्रेजी पढ़ावल जाला। हमार जो बोर्ड अंग्रेजी पढ़ाईले रहे न, उनकर बोर्ड से अलग रहे। और का बाकी जैसे ताश के फर्री ना मारता नहीं फर्र, वैसे फर्राटेदार बोर्ड रहे। वो तो बस एगो शब्द पकड़ाईल रहे जल्दी जल्दी में डॉग कुछ। राजा भाई हम पकड़ लेनी ही। देखा घंटी बजावे वाला पकड़ लेलस, आ तू घंटा के अंग्रेजी का मास्टर हुआ। हाँ भाई बताओ का कहत रहे? चेहरा के हाव भाव से लागत रहे की वो तहरा के गाली देता है। एक तुम्हें मारा मने, जब मुँह खोली तो घंटी बजा के छुट्टी कर दी। राजा बाबू हम बताओ थे, हमरा तो ये लागत रहे कि अंग्रेजी में अपनी मोहब्बत के इजहार करत रहे। ये डिजिटल जमाना के, ये डिजिटल जमानी अगर तहरा के मिल जाए तो तू का करबा? का करब उ तो जानत नहीं यार, लेकिन कहाँ राखब यह सोचा था नहीं। मास्टर साहब, एनए से आई हेड मास्टर साहब के बेटी, और वो जोन कुछ भी बोली ओकरा के भोजपुरी में अनुवाद करके तू हमरा के बताइए। जी राजा बाबू। ठीक बा, चल। अब का सोच लो, ब्याह करबू? बहुत बड़ा बदतमीज आदमी बाड़ा। हाँ? काल तोरा के इतना गरियाई नी दिमाग में ना घुसल। हाँ? और ये संस्कार सिखले बाड़ा कोनो लड़की के रास्ता रोके के? और का काई का रोमियो बन के प्यार मोहब्बत के बात करा तारा, शर्म नहीं क्या आती उम्र में? हाँ? कहीं चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरा। हट हमरा रास्ते से। अरे बुढ़ापा में रोमियो बनिए। राजा बाबू कहीं तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी का? जाता नहीं अब सही नहीं मजा। ओ संतराम जी हैने आई है। सर कहाँ जाता नहीं? सर एगो बड़का साटा मिलल बा, वही में शहनाई बजाए जाए। घंटी तार बाप बजे हैं। शहनाई बजाए। ओ सर। हाँ सर। ओ नचे सर। हाँ सर। थोड़ी देर में। हाँ भाई। अरे सुनी
है ना सुनी का सर हम कहा जाता नहीं खड़ा रही यहाँ कहा जाता नहीं अरे बाबूजी का फोन आयल रहे सरात बाग जगह से पूरी खाए जाके रहल जाके क्लास में बच्चा सबके पढ़ाई ओ सुनीता मैडम है ने 2 घंटा ज्यादा पढ़ा देव कहिया कलिया बच्चा सबके परीक्षा सर पर बा अरे वह सरात के बात करता नहीं पढ़ाई के बात नहीं करत चले जाई रहो लोग क्लास में रुक ओ जनक सर है सर रुआ जैसे मास्टर लो रही तो धूपे नहीं तापे में बड़ा हड़ बड़ी बनी सुनी पड़े मैंने सुनी भाई कहाँ जाता नहीं अरे सर एगो जरूरी बात रहे मने बोले के पड़ी बोली ना तो क्या जरूरी वो एगो पंडित जी बड़े बड़ा मान्यता प्राप्त पंडित जी बड़े वो कहले बड़े कि आज हम जुआ खेलब नू तो बहुत ज्यादा पैसा जीतब एगो बात कान खोल के सुन ली केहू भी आदमी आज के बाद 10 बजे से लेके 4 बजे तक क्लास में पढ़ाई बाहर निकले निकले के सुनने ओके है हाँ अरे सर जाए दी ना बहुत बड़का साटा मिला बा न जाए तो नुकसान हो जाए चल क्लास में चल घुटन पी ले ले बारे बाबा सर अब आप तो सुन सर लाज नहीं के लगात जाए जल्दी अच्छा सर 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 एगो जरूरी बात बताई सर बोली अगर हम 5-6 हजार रुपया जुआ में जीत गई नहीं तो 1-2 हजार रउआ भी रोक ली ना सरकार टीचर बानी कहीं हाथ ना उठ जाए अपने के ऊपर जाए बितार गलत बात बस जाए पता ना आज ही हेडमास्टर वो इतना काहे दादागिरी दिखावा था हाँ अरे आवाज सुनो तरह ना हेलो हेलो आज से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारा मोबाइल बंद रही ठीक रखा का दिन भर मोबाइल में लगल रहलू चाय ठंडा हो रहल बा हाँ तब और का करी एक तो बोर होता घरे माई अरे बेटा आज तक कमाल हो गई स्कूल में का जैसे जैसे तू कहले रलू वैसे वैसे कहीं नहीं है सब जन के दिमाग ठीक कर देले बानी आज वाह पापा अच्छा एगो बात बताई हमरा के अभी लंदन जाए में 2 महीना के टाइम बा और घर पे बहुत बोर हो रहल बा तो हम का करी स्कूल में आके 2 महीना खातिर बच्चा लोग के पढ़ाई ये तो बहुत खुशी के बात बा बेटा अरे हम तक कहता नहीं तू छोड़ा लंदन वंदन जाए के बाद यही जा रह के अपन स्कूल में पढ़ाव अरे एक बात की छोड़ा ना तू अच्छा पापा तब हम कल से स्कूल आवता नहीं एकदम बेटा एकदम स्कूल में पढ़ाओ के बाद देखा यह हमारी स्कूल जहाँ तू आज से पढ़ेगी तो अपने क्लास में जा पढ़ावा ध्यान से पढ़ाइया ठीक है हम अपना ऑफिस बाय बाय बेटा हाँ संतराम बोला हाँ राजा बाबू अरे हेडमास्टर साहब की बेटी हमने के सरकारी स्कूल में पढ़ावे आयल बिया का बात करता रहा उनकर बालिका हो गेलो आज से देखा था नहीं अच्छा चलो ठीक बा ध्यान रखिया होखे वाली भौजाई बाड़ी तो आर जरूर जरूर ध्यान दे भैया माई बाबू जी से का बात करे के बा वो आप देख लें कोनो भी हाल में मास्टर साहब के बेटी के साथ हमार बियाह फाइनल करवाई अरे समझी कि फाइनल हो गई बोलो पंडित का बात खा बेटा राजा बाबू के मलकिनी अब शादी कर देवल जाओ अरे शादी खातिर कौन लड़की भी चाहिए ना कौन लड़की भैया एक नंबर के बिया मालिक क्या? एक नंबर के लड़की हो वो हेडमास्टर साहब के बेटी मेघा वो दरिद्र नारायण के बेटी से अपना बेटा के बिया कराई हाँ? अरे मालिक हमार बात समझी अरे वो लड़की पढ़ा लिखल बिया सुंदर सुशील बिया और एक बात बताई मालिक अगर राजा बाबू के शादी ऊ लड़की से हो गई तो स्कूल से लेकर चुनाव तक हमनी के फायदा ही फायदा बा करे हेडमास्टर के बेटी से ब्याह करवे शर्माता हमरा से सरोवर देवी तू ही पूछ ले एकरा से कि बिया करी कि ना करी अरे हमार बेटा बा काहे ना करी ए बेटा मास्टर जी की बेटी से बिया करवा ना ए माई अभी शादी बिया के मैटर हमके समझ में आवेला ना अब लेकिन तू लोग अब इतना जोर देता रहा तब
कर दा। हाँ लेकिन एक बात बा, हम खाली तारा खातिर हाँ बोलता नहीं माई, बस ई तो हमरा लाई बहुत खुशी के बात बा। लेकिन एक बेर मेघा के मर्जी जानल जरूरी बा। अरे जब रहुआ तैयार बानी तो मेघा के इच्छा जाने के का जरूरत बा। अब जल्दी से डेट शादी के फिक्स कर दी। लेकिन हमरा के ये रिश्ता मंजूर नहीं खे। का बतिया रहल भी है, पागल ही है गाई। जब राजा बेटा से ब्याह करे के मना कर दिया हा? अरे एक से एक सुंदर सुंदर लड़की हमरा राजा बाबू से ब्याह करे खातिर पीछे पीछे घूमतिया। शादी से मना कर रहल भी है। केहू के नाम राजा बाबू रख देला से वो आदमी राजा ना हो जाला। हमरा के बहुत अच्छा से पता बा आप लोग के करतूत। सरकारी स्कूल के पैसा चोरी करके प्राइवेट स्कूल चला के पैसा वाला बनल बाड़ा लोग। और आपके ही बेटा राजा बाबू काला अक्षर भैंस बराबर। हम एमबीए कैले बानी। एगो एमबीए कैल लड़की के जोड़ी कोनो अनपढ़ गवार के साथ अच्छा ना लगे। ऐसे पंडित जी आप सब लोग हिजा से जा सकते। अच्छा, अपने आपके बढ़कर गलत समझ दिया। अरे बिहारी सिंह के बेटा के रिश्ता टुकड़ा ले बियाओ। ए बेटा तू चिंता मत कर, एक से एक लड़की ढूंढ के लाभ तरह से ब्याह करावे खातिर। ना बाबूजी, अब तो ब्याह हुई तो वही लड़की के साथ, ना तो ब्याह ना करो। का कहले ब्याह ना करबे? देख लेनी सब कुछ रहुआ की वजह से होता। आज अगर हमार बेटा पढ़ल लिखल हो तो दू कौड़ी के लड़की ओकर मजाल रहे कि हमनी के बेइज्जती करे। अरे मालकिनी, राजा बाबू खातिर लड़कियन के कमी हो। अरे एक मिनट में 1000 लड़कियन के लाइन लग जाए। ए पंडित सुन ले ना, क्या मेरे बेटा का गलस हा? अब तो हमर बेटा के ब्याह होई तो वे मास्टर बा के बेटी से होई, और अगर सारा पढ़ला लिखला के अहंकार तोड़ी तो हमें बेटा तोड़ी। बेटा साम दाम दंड भेद जे भी अपनावे कबा अपनाओ, लेकिन वे लड़की के ही घर के पाव बना कर चलाओ। हेलो राजा बाबू। का भैलो? अरे राजा बाबू मत पूछो, जिंदगी नरक हो गए हो राजा बाबू। का हो गई? अरे हम का बताई, होटल के नौकरी चल गई सर, निकरे के फुर्सत नहीं खे मिलत। बाप बिटिया के दादागिरी से जिंदगी हलकान हो गई हो, दू पैसा का कमाई ना होता राजा बाबू। हमार तो बाजा में जंग लाग गई, सारा साटा कैंसिल करे के पड़ता। आज एकरा साटा कैंसिल ना कर पैनी वो स्कूल में आके हमरा के बजा के जाता। अरे 10 दिन हो गई हमरा तास पिसला, एक बार तास पिस देवत रही तो 5-10 हजार के इंतजाम हो जात रहे। आ एगो मजा के बात बताई, तहार दिल के धड़कन तेज हो जाये। का? कई गो लड़का तहरा स्कूल से नाम कटवा के हमरा स्कूल में नाम जुड़वा ले। हाँ, थक जाता हूँ कोई। एक काम करो, मास्टर जी, मास्टर जी। रुकी, सुनी सर। का बात बस सब लोग एक साथ है? कहा ही? आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय, विषय 8 दिन की छुट्टी हेतु सेवा में सभी ने निवेदन ये है
कि संतराम वल्द बसंतराम को 8 दिन की अविलंब छुट्टी दे। आपका आज्ञाकारी चपरासी संतराम, साइन करिए सर, ताकि हम जाके सेनाई बजाए। राउर कहा वह मिला जुला के वह लिखल बा जैसे ही अभी अभी पढ़ल हा वह लिखल बा। पढ़ के सुनाई। पढ़ दी। अरे सर अभी सविनय निवेदन ये है सर। अरे इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में, अंग्रेजी के टीचर है। डियर सर, रिस्पेक्ट मी, ग्रांट छुट्टी 10 days फॉर अवलाइजिंग होल लाइफ, यह लिखल बा। छुट्टी चाहिए हमनी के। अरे सर हिंदी में ना समझत हवा, सब मिला जुला के ही हो कि हमनी की छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए सब के उके के साथ छुट्टी चाहिए। हां सब लोग के के साथ चाहिए कि ना चाहिए हमके उसे मतलब ना हो। हमार सबसे ज्यादा जरूरी काम हो हमके चाहिए। पहले हमके चाहिए एक साथ के उके छुट्टी ना मिली। अरे काहे ना मिली, काहे ना मिली? अरे स्कूल बंद हो जाई, एक आदमी जाई ओकरा बाद दूसरा आदमी के छुट्टी मिली। अच्छा अरे भाई ये लफड़ा हम केना चाहतो, छुट्टी दे मतलब एक मिनट हम सैनाई ना बजेनी सब मतलब हम पूरा साटा कैंसिल करके पड़ता हां सर के फर याद आवता अखुजला रहल बा हाथ उ अलग पहले हमरा जाए एक मिनट हमारे पेट में बहुत दर्द है हमरा एक महीना के छुट्टी चाहिए। आदमी बार बार मरेला हो एक बार मरेला सरादो में हमरा सैनाई बजाबे के बा छुट्टी दे हम छुट्टी चाहिए छुट्टी ना मिली ना मिली देखे हो जाई सस्पेंशन लेटर साथ में लेके जाई रो लोगनी। अरे बार बार सस्पेंड करे काहे धमकी देता मैं तू सस्पेंड कर दे बा। हां सस्पेंड कर दे, स्कूल बंद कर दी। बंद कर दे देख के करे माइक लाल भी मजा से सस्पेंड करी। हां सस्पेंड कर दो हम कर। मैडम ये थप्पड़ तारा पे बहुत भारी पड़ी, आज के बाद स्कूल में क्यों पढ़ावे ना पाई। सुन ली सर, एक लड़का गेट के अंदर से घुसे ना दे। अब यहाँ पढ़ाई ना, अनिश्चितकालीन हड़ताल होई। गुरुजी से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मेघा मैडम स्कूल छोड़ो, गुरुजी से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये सब का करते नहीं रहुआ लोगन, हम अपने बेटी के तरफ से माफी मांगते नहीं, हड़ताल तोड़ दे रहुआ लोग। ए सर राउर बेटी हमरा ऊपर हाथ उठाओ ले भैया, हड़ताल तो खत्म ना हो ना, जब तक मेघा मैडम स्कूल ना छोड़ी है हम घंटी ना बजाए। काहे कि हम उत्थान समिति के युवा नेता है। हाँ हाँ रउआ अपन बेटी के स्कूल में आना जाना बंद करवा दी, अपनी हड़ताल खत्म कर दे, न तो हड़ताल जारी रही। इनकलाब जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद। का ड्रामा मचेले बड़ा लोग, स्कूल में कोने बात के हड़ताल जी? का बताई राजा भैया, काल हेडमास्टर साहब के बेटी नक्षेद मास्टर साहब के ऊपर हाथ उठा देने रहे। का बात करता रहो, आई देखा पढ़ल लिखल हो के और एगो सम्मानित शिक्षक के ऊपर हाथ उठा देली। का मार साहब यह संस्कार सिखोले बानी अपना बेटी के? इतरा और सब पढ़ावल लिखावल गुड़ गोबर कर देली। जब केहू के पापा के केहू सबके सामने बेइज्जत करेला ना, तो अनपढ़ होके चाहे पढ़ल लिखल सारा शिष्टाचार और संस्कार भुला जाला। राजा बाबू हाथ जोड़ता नहीं, इस सब बच्चा सबन के भविष्य के बात बा। अगर ये लोग हड़ताल ना तोड़ी तो परीक्षा कैसे हुई? रउआ लोग के समझाई ना। अरे तो स्कूल है कोनो अखाड़ा थोड़ा है। आप एक काम करी, मेघा मैडम के स्कूल से बाहर निकाली और ये लोग हड़ताल खत्म कर दिए। खत्म कर दे रेडी बालो। नाना सर मेघा मैडम के स्कूल से मत निकाली, कहे कि हमनी के पढ़ाई इनके वजह से होखा था। अगर मेघा मैडम चल गई है तो हमने की के पढ़ाई? आय देखा इनकर नेतागिरी सुना लोग, ठीक बात अब करा लोग नेतागिरी, फिर हम नहीं की कुछ कर सकत। तू लोग का चुप हो गया हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक बात जिंदाबाद। तू कुछ नहीं कर सकत ना, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकत आनी। का कर सकत आरो? ये लोग अपन हड़ताल बंद ना करिए, ना करे ना, तो जब ले ई लोग अपन हड़ताल ना तोड़ी है तब ले हम लेकन के कहीं और अकेला पढ़ाई। ए मैडम तू काहे अपन सर फोड़ तारू, का कर ले ये लोग के पढ़ा के? ए? इस सरकारी स्कूल से निकलला के बाद ये लोग का करी?
लड़का लोग या तो चाय के दुकान खोली या तो पान के दुकान और लड़की लोग ब्याह करके बर्तन माजी लो। ई मत भूलो कि जब ले तोहरा जैसन शिक्षा माफिया ई देश में पैदा ना भइल रहले ना तब तक इहे सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चा लोग बड़ बड़ ऑफिसर साइंटिस्ट डॉक्टर इंजीनियर बनत रहे। अरे तोहरा जैसन शिक्षा माफिया और एकनी जैसन शिक्षक के ही देन है जे आज सरकारी स्कूल के ई हाल भइल बा। हमहू इहे स्कूल से पढ़ के आगे MBA कैले बानी और आज तोरा के चैलेंज देता नी। आवे वाला मैट्रिक के परीक्षा में अगर तोरा स्कूल के बच्चा लोग से ज्यादा मार्क्स हमरा ई सरकारी स्कूल के बच्चा लोग ना ले आए ना तो वापस कब्बो ई स्कूल में अपन मुंह ना दिखाई। चलो लोग का मां साहब ई कौना नक्षत्र में तोहार बेटी पैदा भइल बाड़ी। गुस्सा जब देखा तो इनका नाके पे रहला। मेगा मैडम हाय हाय हो इंग्लिश मैडम बहुत पढ़ावेलू बच्चन के हमियों के दो चार दिन इंग्लिश सिखा दो ना। के बाड़ो तू लोग रास्ता छोड़ हमारा। रास्ता तो हम छोड़ देंगे लेकिन आज के बाद अगर बच्चा सबके पढ़ावे के कोशिश कैलू तो ऊ हाल करा कि कब्बो तू पढ़ावे लायक ना रहो। अच्छा ता बच्चा लोग के तो हम रोज पढ़ाई अब अगर तोहनी लोग अपना माई के दूध पिए ले बड़ा सन तो हमरा के रोके खातिर छू के देखा। ए, तनी मैडम के छू के दिखाओ सन। बा हमार बेटी के कुछ ना माई सब ठीक है। बेटी ठीक बड़न हो तू? हाँ
अरे बेटा तू का करतारू, केकरा से लड़तारू तू पता बा? अरे शिक्षा माफिया बाड़ा सन, शिक्षा माफिया एकनी के पहुंच बेटा शिक्षा मंत्री तकले बा। हमनी के सुनी केहू ना सुनी? अरे दोनों बाप बेटा मिल के पूरा सरकारी स्कूल के संपत्ति लूट के अपना घर ले जाता रसन। इस शहर में ना बेटी, पूरा स्टेट में दुनिया भर के प्राइवेट स्कूल खुलने वाला सन। हमनी के एकनी से नहीं जीत सकत बेटा, तू अपन जीत छोड़ द। अरे दोनों बाप बेटा एक नंबर के भ्रष्टाचारी है वो सन। तू तू स्कूल छोड़ द, तू पटना चल जा अपन काम देखा। तू हमारे इकलौती बेटी हो, अगर तोरा कुछ हो जाए तब हम लिए कैसे जियम सन? तार बाबूजी ठीक कहता रही बिटिया, तू अकेले केकरा केकरा से लड़बू? तू जा अपन काम देख, अपन भविष्य देख बिटिया। ना माई, हम केहू से डेरा के अपन घर छोड़ के भागे वाला नहीं की। रउए सिखवले रहनी ना पापा के दुनिया में सबसे बड़ हथियार शिक्षा होला। उ हथियार हमरा पासे बा, अरे कलम के ताकत से इ दुनिया के झुकावल जा सकेला। और उ लोग तो अनपढ़ और गवार बा, बहुत शौक बना उकनी के राजनीति करे के। अब हम एकनी के सिखाई असली राजनीति। राजनीति राजनीति तो आपके खून में कूट कूट के भरल बा, अब अपने के विधायक बने से केहू न रोक सकेला, आ हो सकेला तो मंत्री भी बन जाए। हम राजा बाबू से शादी करे खातिर तैयार बने। कहा सुन ली ना, हम फिर से बोलो। हम राजा बाबू से शादी करे खातिर तैयार बानी। उ दिन तो हमने के बड़ा बेइज्जत करके घर से निकाल ले रहा ला, और आज खुद दे अपना ब्याह के बात करे आ गेलो। माफ करिए, हम अपना बेटा के ब्याह तारा संगे ना कर सके ली। अरे चुप करी जी, ये लेके हमके पसंद भी आ, और हम कह देता नहीं कि हमार बेटा के बिया ये लड़की से हुई, बड़ा समझ में आवेला। चला बेटी आवा हमरे, दोनों जनी मिलके बिया के तैयारी करी। तारा मतारी से क्यों ना? ए चचा, अरे बड़ी जबरदस्त खुशखबरी बा, अरे मिठाई खियाई चचा मिठाई। का हो गेल रे, तोंदी के स्कूल बंद हो गेल का? अरे ना चाचा जी, राउर टिकट ना कंफर्म हो गेल बा, टेलीविजन पे आवत था, टेलीविजन पे। अरे बाबू जी बधाई हो, बाबू जी बधाई हो। देखनी मालिक, मेघा के गोड़ घर में पड़ते आपके टिकट फाइनल हो गई। हम तो कहता नहीं कि राजा बाबू के और मेघा के बिया फाइनल। बिया तय हो गए राजा बाबू के, राजा बाबू के मेघा के साथ बिया तय हो गई। अरे भाई तब तो दू दू मिठाई बनाता, एगो विधायक बनला के आ दूसरा राजा बाबू के ब्याह तय होखला के। We'll be right back.
बाबू के बैंड बाजी गोइल। ई बहुत सही मौका पर राजा बाबू के अपने बजती का बदला ई सुहाग रात में ले ला एक साथ। अरे तोनी के छोड़वा सब पहले तब न रे। अरे बिल्कुल सही राजा बाबू, एकदम चला जा। तू यहाँ टाइम वेस्ट मत करा, तू जा। हैप्पी सुहाग रात। पतिदेव, सुहागरात मनावे आई नी हा। दारू पिया, दारू दारू तो दारू, सिगरेट भी पिया लू। अरे जब तू पी सकत आ रहा तो हम काहे नहीं की पी सकत। हम तोहरा का बुझाता, मरद जे चाहे कर सकेला और औरत कुछ नहीं की कर सकत। और हाँ, हमरे साथ सुहागरात मनावे के सपना देखल तो तू छोड़ दा, काहे कि दुनिया के नजर में हम तोहार पत्नी हैं, पर पत्नी के सुख तोरा के कबो ना मिली। आज से हम जे कहब तोरा के उहे करे के पड़ी, ना तो दहेज के केस में ऐसन फसाइब कि पूरा जीवन जेल में चक्की पिसबा। बिहने से स्कूल के हड़ताल खत्म हो जाए के चाहिए। कह दिया अपना पालतू दोस्त लोग से, काल से स्कूल के हड़ताल खत्म। और एगो बात और सुना, अगर ज्यादा राजनीति करे के कोशिश कैला ना तो इस दुनिया के सामने तोरा के नामर्द कहे में हमके तनिको देर ना लागी। इलत तकिया और कोना पकड़ के सुत जा। गुड नाइट। मतलब ना बुझाइल, जा यहाँ से। एजी, बहुत बढ़िया सफर बेटा के ब्याह हो गई, पूरा बिहार में इतिहास रच देलास। ला तो ही इतिहास रचा, देखा बड़ा बढ़िया बढ़िया को बड़ा बनल बा। खा ला, खा ला, खा। रहुओ खाई? मुँह खा लेता नहीं, ला ला चाय पिया। दी प्रणाम। खुश रहा बेटा, खुश रहा। कहाँ जाता रू? जी ओम सरकारी स्कूल में पढ़ावे जाता नहीं। तो ही घर के बहु बाड़ू, अतारा घर से बाहर गेला के कोनो जरूरत नहीं की। हम चार दीवारी में बंद रहे खातिर बिया नहीं की कहले। जब ले लैकन के परीक्षा खत्म ना हो जाए तब ले हम सरकारी स्कूल में पढ़ाई। अगर तेरा पढ़ावे के इतना ही शौक बा तो अपना ही स्कूल में जा, जाके पढ़ावा हूं मैं। अब सरकारी स्कूल में गेला के का जरूरत आ गेल बा? बहु एकदम सही कहत दिया, अपने स्कूल में पढ़ावे खातिर बहु टीचर बाड़न सन, बाकी सरकारी स्कूल में सब के सब अनपढ़ गवार जाहिल बाड़न सन। ए बिटिया जा, तू स्कूल जा, जाके गरीब बच्चन के खूब मन से पढ़ावा और उनका भविष्य बनावा। जा बिटिया जा। देख कर इतना पक्ष क्या लेता रू,
एकर बियाह अपना बेटा से एक खाते न कर बोलो रानी कि हमर बहू जाके सरकारी स्कूल में पढ़ाए। ए राजा का सब समझाओ अपना पत्नी के कि घर के बहू के बाहर गले का इजाजत न मिलेला। चिंता मत करी बाबूजी, बहुत जल्दी एकरा के घर के सारा नियम समझ में आ जाए। क्लास में जा, हम आवता नहीं। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। के भाभी? रहुआ भाभी। भाभी ना मेघा मैडम, और आप लोग यहाँ बाहर का करता नहीं? जाई अपना अपना क्लास में, बच्चा लोग के अच्छा से पढ़ाई जाई। ठीक बा भाभी। मेघा मैडम, मेघा मैडम, दो बोरा अनाज ऐजा उतार दा, अब बाकी सब अनाज बिहारी सिंह को गोदाम पे उतरिया। एक मिनट, सारा अनाज ऐजा उतरी, आज के बाद स्कूल के अनाज के एक भी दाना बाहर ना जाए के चाहिए, समझ में आई? पापा। हाँ बेटी। जितना सरकारी फंड आ रहा बा ओकर भी पूरा हिसाब किताब हमरा के चाहिए। आज के बाद हम देखता नहीं कि गरीब बच्चा सबन के हक के मारता। रखा सब भीतर। पासा उल्टा पड़ गई भैया, हम तो सोचनी कि बिया के बाद ही स्कूल ना आई, लेकिन ये तो फिर से स्कूल में पढ़ावे आ गई। ठीक बात सर। जाई लोग अपना अपना क्लास में। जाई क्लास में जा रहे हैं। हेलो, आज मेघा मैडम सब अनाज स्कूले में उतरवा ले ली। ढेर दिमाग खराब है बात, और केकरा से पूछ के अनाज के बोरी स्कूल में उतरो लिए रे? तोरा के पता बा उ सब अनाज के बोरी हमरा गोदाम में रखा ला? ऐसे उतरबो नी हा, काहे से कि अनाज पे उ लइकन के अधिकार बा। और एगो बात और सुन ली, आज के बाद ई पूरा जिला के कौनो भी सरकारी स्कूल के सरकारी फंड या अनाज अगर ये घर में आयल तो मीडिया वालन के बुला के तू लोग के असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दे। ठीक कह, चुनाव जीतल तो दूर, जमानत तो जब्त हो जाए। मालिक, अरे तो सब चाल उल्टा पड़ गए। चुप पंडित, तो ये कब्या कर बोले रहले ना, तोरे टंगड़ी तोड़ब हम। इमें हमार कोनो गलती नहीं खे, राजे बाबू ने छटपटात रहले मेघा से ब्याह करे खातिर। हम ब्याह कैले बानी एकरा से तो हम ही सुधारब। बहू के सुधारे की जरूरत नहीं खे, पहले तू दोनों सुधर जा। और हमार बहू एकदम सही बिया। और सुना, कोनो गरीब के हक मरला से आपन पेट ना भराला, हम तो तू दोनों के ना सुधार सकनी। अब मेघा ही सुधारी तू लोग के। अच्छा, घर से निकाले के पहले ना तोड़े टंगरी तोड़ के घर से बाहर निकाल दे बाबू, ना चाहिए हमरा ऐसा बाबू जे हमरे बर्बाद करे पर तारू बिया। हमर जमानत जब्त कराई हो, हमर जमानत जब्त कराई। का भेल पापा, 10:30 बज गए, पूरा स्कूल इतना सुनसान का है बा? कोनो मास्टर स्कूल में नहीं आयल बेटा, हमरा बुझाता ये मैं राजा बाबू के हाथ बा। अब का हुई मेघा? आप चिंता मत करी पापा, अभी एकनी के इलाज करता नहीं, चली। हाय, अब तो लागता कि अपन बियाह में सनाई हम खुदे बजाए। गीता, सनाई के बाद वाले रिहर्सल कर ली का? हाय, समझ लू कि ना, चला शुरू करा। होठो से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर। अरे जल्दी लुकावा हमरा के। ए मैं छुपा, अरे छुपा ना। अरे मैं कैसे लुकाए? अरे अरे तहर भी मार दी हमरा के। अरे गीता, करवा देलू तू हमार पचीता। अरे कुछ कर रहा। भैया, अरे छोड़ दी भैया। अरे तो हर घर में। अरे सर पा। मार जा रहा सारे। अरे सारे पापी दोस्त होके
तो घर में सारे घर बहन से छेड़छाड़ करता रे शरण ने क्या तू इसको पहली के लाइन ना मारब तक पड़ोसी के पहली के लाइन मारो ए बाबूजी गधा बुलाओ और को पंडित बुलाओ एक सारे के बाहर छुड़वाई और मुंह में चूना पुतवाई और सारे का पूरा इलाका घुमाई ना पार्टनर ना हमारी सुंदर ब्यूटीफुल फेस खराब हो जाए सलमान भलावा अरे करिया करे ढसा तो अरे के अरे शिक्षा विभाग के छापा पड़े वाले भाई स्कूल में अरे ते जल्दी जो स्कूल जो बेटा तो नौकरी के सवाल का बड़े झड़ होते आज जा थड़ी दोबारा देख ले टांग दे भाग के भाग क्या है मेगा मैडम आपने कहा था कि स्कूल में एक भी बच्चे नहीं है लेकिन यहाँ तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं नमस्कार अधिकारी महोदय अरे किसकी बातों में आ गए आप पागल है ये स्क्रू ढीला है इसका कहाँ आप इसकी बातों में आ गए इस विद्यालय में हर काम नियमित रूप से होता है यहाँ तक कि हमारे प्राइवेट स्कूल के टीचर भी यहाँ आकर के पढ़ाते हैं ये सारा षड्यंत्र हमारे पिताजी को बदनाम करने के लिए कर रही है आप इसको पूछिए किस हक से इस विद्यालय में पढ़ाती है ये इसकी बहाली तक नहीं हुई है यहाँ पे फिर भी जबरी आती है यहाँ जी क्या राम प्रसाद जी राजा बाबू जो बोल रहे हैं वो सच है जी सच है सर सच है ओके फाइन राम प्रसाद जी कल से आपकी बेटियां इस विद्यालय में तो क्या इसके बाहर भी मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए गॉट इट नहीं तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा संतराम संतराम जल्दी आओ जाके बच्चे सबको उठाओ दौड़ा दौड़ा लोग जल्दी बच्चा सबको उठावा एम्बुलेंस लावा एम्बुलेंस के खाने में किसी ने पॉइजन मिला दिया है हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप लोग प्लीज बाहर बैठिए ओके कामार साहब का बैल बचा सर काहिल काहे आईला है यहाँ बच्चा सबके लाश के कंधा देवे खातिर ई मासूम बच्चा लोग कहाँ बिगड़ ले रहे तार जेखनी के खाना में जहर मिला देला का बकवास करता छी
हमरा के हरावे खातिर तू इतना नीचे गिर जाइबा ये हम कबो सोचले ना रहनी। निकल जा हमरा सामने से, तोरा के देख के भी हमरा घिनावता, निकल जा। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग हल्ला मत करिए, बच्ची अब खतरे से बाहर है, आप लोग आके मिल सकते हैं। खातिरी घर के छोड़ के जाता नहीं माँ जी, ऐसा मत कहा, ये घर के और हमके छोड़ के मत जा। तोरा इला के बात था, हमरा अंदर एगो उम्मीद छागल बा कि बाप बेटा के तू ही सुधार सकबू, अरे उस सब बच्चन के भविष्य अंधकार में डूब जाए, सब सत्यानाश हो जाए, मत जा घर के छोड़ के बच्चा, घर के और हमके तार बहुत जरूरत बा, हाथ जोड़ तनी बच्चा, बच्चा ऐसा मत करी माँ जी, हम एकदम हार गए नी, ना तू ना हार सके लो, और लोग जीत गए ना, ना हम रखी जाए ना मेगा मैं मेघा, मेघा मत जा, मेघा 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 सुना था मेघा, हेलो देख ले ले अपन शिक्षा के औकात, अनपढ़ बिहारी सिंह के हरावल नामुमकिन बा। अगर केहू के अरमान के कुचल के, केहू के सपना के ध्वस्त करके जौन बाजी जीतल जाला ना, इस दुनिया में उसे बड़ हार कौनो ना हा। का चाहता निया ये गांव के सब बच्चा लोग या तो आप लोग के दिहल जहर से मर जाए, और या गुलामी करे, चोर और गुंडा बने, तब ये हो ये गांव में। अब ये गांव के कौनो भी गरीब के लईका कब्बो भी आईएएस या आईपीएस ना बनी। अरे आप जैसन अनपढ़ गवार लोग शिक्षा के महत्व के का समझी, अरे जे खुद शिक्षा के व्यवसाय बनवले बा वो विद्या के महत्व के का समझी। लेकिन याद रखी, ई गांव के हर बच्चा के भविष्य बर्बाद करे के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हो। खब थैंक यू अंकल। Cruel people, you have no shame at all. काल तोरा के इतना गरियाई नी दिमाग में ना घुसल, हाँ? काई है उदास बैठल बड़ा, चुनाव सर पे बा, जाके चुनाव की तैयारी करा। बेटा मेघा जैसन हजारों लड़की तारा बेटा आई देखिया हम अपना बेटा राजा के ब्याह मेघा से भी ज्यादा सुंदर और अपना लेवल के लड़की से कराई। कहा करवा ब्याह करा के चचा, फिर कोनो ना कोनो षड्यंत्र करके उन्हों के घर से निकाल ही देबा। का बकवास कर रहल बाड़े तू? बकवास कर रहल बानी चाचा, मेघा भाभी घर छोड़ के गईली है ना रहुआ वजह से। नक्षत नक्षत सही कहा था राजा बाबू, अगर हम असलियत बता दे अब ना तो तू पागल हो जाएगा। का असलियत बता दे बेरे? असलियत ती है ना राजा बाबू कि जवन लड़का लोगन के खाना में जहर मिलावल गई बा वो क्यों और ना चाचा मेल बोले बाड़े। पागल पागल हो गई बाड़े तू, कैसे बकवास कर रहा बड़े तू? बकवास कर रहा चाचा ठीक बा, झनक हाँ इधर आ, हाँ लेके आओ
ई रहल वो औरत जेकरा हाथ से चाचा जी खाना में जहर मिलवाइले रहलन। ए बताओ साफ साफ बताओ। मालिक हमरा कुछ नहीं के पता, हमरा बड़का मालिक डब्बा देले और कहले ई दवाई बच्चा लोग के खाना में मिला दी है, लेकिन हम थोड़े से डालनी, ज्यादा ना डालनी मालिक, ई हा ऊ डब्बा गलती हो गई मालिक। चट्टी कहीं की। अरे बेटा ऐसे ही ओकरा हाथ में जो डब्बा बना डब्बा प्रोटीन 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 विटामिन जब बच्चा सबके होला ना, हम सोचने की पूरा स्कूल के बचपन के दे दे तो थोड़ा सेहत सब होकर बढ़िया हो जाए। हमरा बेटा के भड़का मत दिया, भाग गया सब। नहीं रुक, बेटा ये प्रोटीन प्रोटीन है, देखो लेबल लगल भाई, बस पाउडर प्रोटीन पाउडर। बाहुजी तो हमरा से कहला कि पैसा वाला बने के बाद तो दिल से ना दिमाग से सोचे के चाहिए। और हम हमेशा दिमाग से सोच ली बाहुजी, और बच्चा सबके मिले वाला अनाज पैसा के लूट लूट के अपन घर भरनी बाबूजी। लेकिन अगर पैसा वाला बने खातिर उ मासूम बच्चा सबके खाना में जहर मिलावे के पड़ी तो हमके ऐसन पैसा वाला नहीं के बने के बाबूजी। अरे बेटा जहर ना प्रोटीन है, अब तक अपना बाबूजी पर भरोसा नहीं किया। भरोसा बाबूजी, हमके तोहरा ऊपर पूरा भरोसा बा। अस्पताल ले चलो बेटे के। कहे कबल प्रोटीन रहे ना। आज इनके पता चले जब कौन बाप के सामने ओकर बच्चा तब वो बाप राजा बाबू जहर खा ले बा। मिल गई खुशी, हो गई कलेजा ठंडा, अपन जवान बेटा के बलि पे चढ़ा के मिट गई भूख, मिट गई तोहर लालच के, आज तोहर पाप के सजा हमर बेटा भुगत रहल बा। अरे पापी अधर्मी, गरीब मासूम बच्चन के हक छीने वाला हत्यारा, याद रख बिहारी सिंह, आज अगर हमार बहुत सुना हो गल्ला
तो हम भूल जाए, हम भूल जाए कि तू हमार पति हुए। आपका पेशेंट हाउस में आ गया है, आप लोग जाके मिल सकते हैं। खबरदार, खबरदार जे अपन मनहूस शक्ल हमर बेटा के दिखाई नहीं, और आज के बाद हम और हमार बेटा राहुल खातिर मर गई नहीं। राजा, ला दवाई खा ला। राजा बाबू प्रणाम। एगो तो हमार बेटी भी है राजा बाबू, एक एगो बेटी भी है। एकरा पे हमारा भरोसा रहल कि हमार बेटी पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाए, लेकिन हमार नसीबे खराब है मालिक, का करें। आज बेटी से रोड के किनारे बैठा के तरकारी बेचवाओ तनी मालिक। हाई हमारा पास कुछ पैसा बा मालिक, पेट काट काट के बचौले बानी मालिक, एक रख के रख ली, यह इतना बा हमरा लगे। हम अपन सब कुछ मालिक बेच के रउआ के दे दे, लेकिन हमार बेटी का एडमिशन अपना स्कूल में करा दी मालिक, अपना स्कूल में करा दी। आप कहा करी राजा बाबू, एक से ज्यादा अपना पास नहीं। प्लीज राजा भैया, हमारे एडमिशन अपने स्कूल में कर लेना, हम वो पढ़े के चाहता नहीं, पढ़ लिख के कुछ करे के चाहता नहीं, प्लीज राजा भैया। एक कर कौनो जरूरत नहीं के, रघु तहर बेटी सरकारी स्कूल में ही पढ़ी, ठीक बामाली। खाली तारा बेटी के ना, अपन जिला के तमाम बच्चा के पढ़ाई लिखाई के खर्चा हम देव। अपने की स्कूल में पढ़ावे आई हमार बहू मेघा। ठीक, खुशखबरी हम पूरा गांव के सुनाए मालिक, सारा जिला के सुनाए में, और चिल्ला चिल्ला के कहब कि मेघा मैडम आवत तारी, मेघा मैडम आवत तारी, मेघा मैडम आवत तारी। चलो बेटी चलो, पूरा गांव के बताओ। ठीक बाबा पूछी, चल तनी मालिक, चल बेटी। हाँ, चल सब केहू के बतावल जाई, मेघा मैडम आ रहल बारी हमने के पढ़ावे खातिर। माफ कर दे बेटा हमरा, अभी तक हम अनपढ़ के साथ साथ अज्ञानी भी रहनी, लेकिन अब हमरा मालूम पड़ गए। हाँ बेटा, हमरा मालूम पड़ गए कि जवन गरीब बचपन के हक छीन के, खुशियां छीन के हम अपन बेटा के खुशी दे रहल बानी, आज तब बेटा ही घुस नहीं के। मासूम बचपन के खाने में जहर मिला के उसके तड़पत देखनी, तैयो हमर मन न पसीज। लेकिन अपन बेटा के जहर खा के तड़पत हम देख न बोरी बेटा, और तोर बाप तेरा तड़पत ना देख सके ले। Heh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 
एक रस्से पहले की हम बिना प्रशित के ले दुनिया से चल जाए। हमरा बहु के ला दे बेटा। अरे मुझे मेघा मैडम से मिलना है। हाँ, मैं उनका पति हूँ। आइए आइए, एंट्री करो। हेलो सर। हाँ बोलो। एक आदमी आया है, बोलता है मेघा जी का हस्बैंड है। अच्छा अच्छा, सुनो वो जो भी हो उसको अंदर आने मत देना। हाँ ओके सर। अरे एक बार मेघा मैडम से बात तो कीजिए, यहाँ से बात तो करो यार। अंदर जाने का परमिशन नहीं है। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? बात तो चलो निकलो। मेरे पति हैं।
बतावा यहाँ काहे खातिर आइल बाड़ा? हम तोरा के अपने साथे ले जाए आइल बानी। मेघा सब पुराना बात भुला जा, अपना घरे चला, सब केहू तुहार इंतजार करा था। अब वो घर में उहे होई जो तू चाहे। हमरा तो समझ ही में नहीं आवत कि तू लोग इतना जल्दी सुधर कैसे गईला। प्यार तोहरा वहां से चल अला के बाद, वहां बच्चा लोग के हालत देखला के बाद सबके ही बात समझ में आ गई कि तू ठीक कहत रहलो। बच्चा लोग के खुशी की हत्या करके हमनी के कोनो खुशी ना चाहिए। बस तू चला, अब हम वह करब जवन तू कहबो। कसम से? कसम से ना, ऐसे ना। हमरा सर पे हाथ रख के कसम खा कि अब तू उहे करबा जौन हम कहब। तोहार सर के क्रिया, आज के बाद हम उहे करब जवन तू कहो। ठीक बा, तो फिर एगो काम करा, हमरा के तलाक दे दो। अरे का हो गई? अभी तो कसम खैला हा, इतना जल्दी पलट गईला? हाँ, हमरा के तोहरा से तलाक चाहिए। तोहरा जैसन आदमी के साथ हम एक पल भी ना रह सके। ऐसे मत बोलो मेघा, हम जानत रही कि बहुत बड़ गलती के लिए बानी हम, लेकिन वो गलती के इतना बड़ सजा भी मत दो। आखिर हम तोहर पति हैं और तू हमार पत्नी हो, पत्नी हो के आज हमसे हमार जान मत मांगा। पति काथी के पति? तोहरा की नहीं खे मालूम कि हमनी के बीच में पति पत्नी के कोनो रिश्ता नहीं खे? मालूम बा, लेकिन दुनिया के नजर में हमनी के पति पत्नी बानी जा। घर चला मेगा, अपना गलती खाती हम तोरा से हाथ जोड़ के माफी मांगता है, हमके माफ करता। घर सब लोग तुहार इंतजार करता, बाबूजी भी तुहार इंतजार करता। बाबूजी? बाबूजी कौन बाबूजी? वो आदमी जे हमरा के बेइज्जत करके बला समझ के वो घर से बाहर निकाल देलस, वो आदमी के बात करता रहा। अरे तू और तुहार बाबूजी दौलत खातिर इतना नीचे गिर गए बड़ा लोग कि पैसा खातिर तू लोग अपना मां बहन के। आगे एक शब्द ना। तलाक चाहिए ना तोरा के? दे देव तोरा के तलाक। वेल्डन मेगा, बहुत ही अच्छा किया तुमने, मैं तुम्हारे इस डिसीजन से बहुत ही खुश हूं। बाकी ये जाहिल लड़का तुम्हारे लायक नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही अपने लॉयर से बात करके तुम्हारा और उसका डिवोर्स फाइनल करवा देता हूं। Bye.
तोहरी फैसला गलत बा बेटी। लड़की के जब एक बार शादी हो जाला न तो जन्म जन्म तक न टूटेला। तू अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ले बिटिया। बेटा लड़की के जीवन एगो शीशा के समान होखेला। एगो तोर छोट गलती तोहार जीवन के बर्बाद कर सकता बेटा। हमार बात माना, तलाक की अर्जी वापिस लेला। अब नहीं खे हो सकत। हम अपन पूरा जीवन अकेले जिए खातिर तैयार बानी, लेकिन वो अनपढ़ जाहिल गमार लोग के साथ पूरा जीवन बितावल हमसे ना होई पापा। सुना बेटा, तू अभी राजा बाबू के विषय में नहीं खू जानत। तू जोन हालात में राजा बाबू के छोड़ के गैल रलूनु, अब वो राजा बाबू बदल गई ले। वो हर आदमी के दिल के हीरो बन गई ले। लोग उनका के अब ओरिजिनल राजा बाबू कहला। चला हम देखाओ तनी तोरा के राजा बाबू के असली रूप। आदिन दयाल बिरद संभारी असर बिस मिलल बिया सरकारी। किस्मत पलट गई ल हमारी, आके बचावा हेरा सा बिहारी। विपत परल बा बहुत ही भारी, याद आ गईल हमरा महतारी। अरे देख रहे यार, पड़ेगा उसमें। हैं ठीक से कर कर रहे हैं। हाँ नमक और देवे के बाद ठीक। नमक नमक जल में सारा जल खाने पावे क्यों? हमार वाला तास नहीं खे मारा सारा बताओ के हम। याद आ गई। हे एक जगह निकालता रह जे राजा खातिर। हाँ निकाल। हाँ एक मिनट हम लेके आवा तनी। देखा अपन राजा के बच्चा सबन खातिर मसीहा बन गई बड़े, दिन रात बच्चा सबन के सेवा में। वो लोग के पढ़ाई में अपन जीवन कुर्बान कर रहा बड़े। और सिर्फ राजा बाबू ना, बिहारी बाबू भी अपन जीवन के कुर्बानी ये जिला के सारा बच्चा खातिर दे रहा बड़े। वीडी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड राज्य के पतरातू शहर के बारे में, जहां सरकारी स्कूल राजकीय उच्च विद्यालय पतरातू के बच्चों ने एक इतिहास रच डाला है। विद्या कुमारी मैट्रिक के परीक्षा में 99% मार्क्स लाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। इस स्कूल के सारे बच्चों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और इसका श्रेय जाता है झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले के सरकारी स्कूल के अध्यक्ष बिहारी सिंह जी को और उनके बेटे राजा बाबू। बिहारी सिंह जी, इन बच्चों की सफलता के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? देखिए, ऐसियों के कहां जो इन बच्चों का भविष्य सुधारूं। मैंने तो अपना वो कर्तव्य निभाया है जो मैं भूल गया था। आज प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि अपने बच्चे पढ़ाओ और देश पढ़ाओ, चल रहा हूं उसी पे। मैं अनपढ़ और मैंने मेरे बेटे को भी अपने ही जैसा अनपढ़ बनाया। हम दोनों बाप बेटे शिक्षित नहीं हैं, इसलिए शिक्षा का महत्व नहीं समझ पाए। और जब महत्व समझा तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और मैं वादा करता हूं रामगढ़ के तमाम जनता से कि हमारे जिला के तमाम बच्चे शिक्षित होंगे। बिहारी सिंह जी, ऐसा रिपोर्ट में पाया गया है कि जितने भी सरकारी स्कूल के अध्यक्ष होते हैं, सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं वो बच्चों तक पहुंचने ही नहीं देते। जी सही सुना है आपने, मैंने भी ऐसा ही किया था। बहुत कमाया, धन दौलत खूब छीना गरीब बच्चों के हक को, लेकिन
मन में शांति नहीं मिली और मैं अपने मुझ जैसे तमाम भाइयों से आग्रह करता हूं, अब भी अपनी आंखें खोलिए और गरीब बच्चों से उनका हक मत छीनिए। राजा बाबू, ऐसा माना जाता है कि शिक्षा के महत्व को एक शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है, तो आप शिक्षित ना होते हुए भी आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया। बिल्कुल सही कहा आपने, शिक्षा के महत्व को एक शिक्षित व्यक्ति ही समझ पाता है, और जैसा कि मेरे पिताजी ने बताया, हम दोनों ही अशिक्षित हैं, पर हमारे जीवन में कोई आया था जो शिक्षित था, शिक्षा के महत्व को समझता था, और वो हमें भी शिक्षा का महत्व समझाना चाहता था, पर हम नहीं समझे, और जब समझे तो हमारा दुर्भाग्य है कि वो अब हमारे साथ नहीं। हाँ, भले वो हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन उनके सपने को हमने अपना सपना बना लिया है, और अब हम मरते दम तक उनके सपना को साकार करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। जातरा राजा हमरा के छोड़ के, नाराज बड़ा का हमरा से, प्लीज हमरा के माफ कर दा, अब से जे तू कहबा हम उहे करब राजा। अच्छा, अब तू उहे करबू जोन हम कह। हाँ, तो हमरे सर पे हाथ रख के कसम खा। अब से जे तू कहबा हम उहे करब, ठीक बा? तो हमरा के तलाक दे दो। का कहा तरह राजा? उए, जोन तोहरा के चाहत रहे हमसे, तलाक। राजा, हम मानता नहीं, वो दिन गुस्सा में हम बहुत ज्यादा बोल देनी, लेकिन ओकर ई मतलब तो ना भेल ना कि तू हमरा के माफ ना करबा, प्लीज हमरा के माफ कर दा। तोरा के हमरा से तलाक चाहत रहे ना, छुटकारा चाहत रहे ना हमरा से, तो के दे तरहल बानी तलाक, कल मिलब तो से 10 बजे कोर्ट में आ जिया। राजा, राजा हमर बात तो सुना प्लीज राजा। आप दोनों यहां पे साइन कीजिए।
तलाक नामा पे तो साइन हो गया है, लेकिन मैं आप दोनों से ही कहना चाहूँगा कि पति पत्नी का रिश्ता किसी पेपर पे साइन कर देने से ये रिश्ता खत्म नहीं होता है। कोशिश कीजिए आप दोनों कि ये रिश्ता कभी खत्म ना हो। इसलिए ये कोर्ट आप लोगों के पास 6 महीने का टाइम है, अब आप दोनों जा सकते हैं। राजा सुमित सर बुलावले बाने। मेघा गाड़ी में बैठा, सुमित बाबू बोले ले चलो। कहाँ लेकर आगे भैया? मैंने बुलाया है तुमको यहाँ पे। याद है ना, मैंने कुछ प्रॉमिस किया था तुमको कि तुम्हारे लिए मैं एक प्लांट लगाऊंगा जिसको तुम और तुम्हारे पिताजी देखेंगे। तुम्हारा सपना था ना कि तुम लंदन से पढ़ के आओ और अपने गांव वालों के लिए अपने गांव में ही एक प्लांट लगा सको। मैंने तुम्हारा वो सपना भी पूरा किया ताकि तुम और तुम्हारे प्यारे पिताजी हमारा बिजनेस संभाले, हमारे पार्टनर बन सके, हमारे लेवल का बन सके। लेकिन तुम तो इस पे ध्यान ही नहीं दे रही हो, ऐसा क्यों? देखिए सुमित, अभी मैं उस विषय में बात नहीं करना चाहती। अभी मैं बस अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज मैं तुम्हें मेघा एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बोलो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत ही बकवास। तुम जानते हो ना सुमित कि मैं शादीशुदा हूं, तो ये फालतू बात करने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? लेकिन अब तुम शादीशुदा नहीं हो, तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। एक कागज के टुकड़े पर साइन कर देने से कोई सुहागन विधवा नहीं हो जाती। मैंने सिर्फ तलाक नामा पे साइन किया है, अपने मांग का सिंदूर नहीं मिटाया। सुमित, राजा अब मुझे अपनी पत्नी समझे या ना समझे, लेकिन मैं अब उन्हें अपना पति मान चुकी हूं और जिंदगी भर मानती रहूंगी। चलिए पापा। मेघा, तुम यहां से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं अपना ना बना लो तुमको। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा इंसान समझती थी सुमित, लेकिन तुम तो बहुत घटिया आदमी निकले। थूकती हूँ मैं तुम्हारे ऑफर पर। मुझ पे थूकेगी तू? सुमित वर्मा पे थूकेगी तू? अरे तुम्हारे लिए मैंने इतना बड़ा प्लांट लगा दिया और करोड़ों रुपए दांव पे लगा दिया और तू मुझ पे थूकेगी? हाँ, मुझ पे थूकेगी तू? देख, अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि दुनिया तुम पर थूकेगी।
बाबूजी। माई बाऊजी जब जरूरत पड़े ला नू लात भी चलावे के जाने की हमनी के हाँ गलती से भी इनका के कुछ भइल ना तो तोरा के बूटी बूटी चीर दे। राजा राजा।
बेचिए पुराना लोहा टीना प्लास्टिक का जूता चप्पल सीसी बोतल टूटल फूटल थ्रेसर ट्रैक्टर टाली मारुति जीप कार गहना गुड़िया घर द्वार मकान दुकान जिला जवार खेत खरिहान बकरा बकरी पारा पारी आ गई ले बेचे के सारी। ए मलकिनी घर से निकला हो। अरे इतना आवाज सुनल लागत है। हाँ तारा गाँव के बगल वाला है। अरे बुझाता ही पुरान का यारवा हमार एगो मीठा के भेली लिया के तानी पिया दो। हमारा पपड़ल बा भारी तोहरा चक्कर में करे जा हम बन गई कबड़ी। अरे प्यारी के तोहरा आसा हमारा पपड़ल बा भारी चक्कर में तोहरा करे जा हम बन गई कबड़ी। दादा जानी भक्त आर कमारे लगी हाँ लगी लगी ना दादा जानी भक्त आर कमारे लगी हाँ लगी। हमारा पटाओ तनिको जला की भान कदी घर से आओ। ए सुनो मांजा हा हा हो के ना साथी के हो के अरे हमारा वो पर जाने जाना एही से अपन वाला ससु पर अरे ये दिया ही तो हटो दीवाना। जब से भाई दू मरद के हमार की तो नहा दादा जानी भक्त आर कमारे लगी हाँ लगी लगी नहा दादा जानी भक्त आर कमारे लगी हाँ लगी। रहे रहो नैहर के प्यार न करो ससुरा में प्रचार रहो। हर सब के जान जाई बड़ी बेइज्जती होई। अरे अपना खेसरिया के कैसे बोल गइलू तू भूल हो लगलू सिखाए नील कमल के मोहब्बत के रूल हो। या तो राज से पूछी हो दादा जानी भक्त आर कमारे लगी हाँ लगी लगी ना दादा जानी भक्त आर कमारे लगी हाँ लगी। अरे प्यारी के तुहरा आसा हमारा पपड़ल बा भारी चौकड़ में तुहरा करे जा हम बन गई कबड़ी। जानी भक्त आर कमारे लगी हाँ लगी लगी ना दादा जानी भक्त आर कमारे।